नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नागियास लर्निंग अड्डा पर। जैसे कि अपन RTE की धाराओं की बात कर रहे थे, RTE की धाराओं से रिलेटेड बातें अपन लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम कुछ और धाराएं पढ़ेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी, मैं यहाँ लिखूंगा कि इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने धारा 1 से लेकर 19 तक धाराओं को पढ़ लिया था कि आरटी की इन धाराओं में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो इसके बाद जो धारा 20 है उसकी बात करेंगे हम, धारा 21 की बात करेंगे और धारा 22 की बात करेंगे। तो यहाँ पर सीधा जो है धारा 23 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले जो धाराएं हैं 19 तक तो हमने पढ़ ली, जो धारा 20 और 21 में क्या है, धारा 22 में क्या है, उन चीज़ों को शॉर्ट में बताना चाहूँगा मैं आपको। और फिर इन धाराओं की अपन बात करेंगे, थोड़ा सा पेज को कर लेते हैं बड़ा इस तरह से। तो दोस्तों, जो धारा 19 तक पढ़ी है उसके बाद जो धारा 20 है, 20 में बात कही गई है कि जो ये जितनी भी धाराएं हैं उनमें संशोधन का अधिकार किसको है। संशोधन का अधिकार जो है वो केंद्र को है, केंद्र सरकार जो है इन धाराओं में संशोधन कर सकती है। तो ये बात कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए धारा 20 जो है यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही है। धारा 20 में ये बात कह चुके हैं कि संशोधन इन धाराओं में अगर किसी संशोधन की गुंजाइश होगी तो वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा धारा 21 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आप सोचेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसमें उल्लेख क्यों नहीं किया, क्योंकि धारा 21 को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर बात कही गई है SMC की, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। धारा RTE की धारा 21 में ये कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, और इस विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में अपन विस्तार से एक सिंगल वीडियो बनाएंगे इसका, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर, विद्यालय प्रबंधन समिति के ऊपर, जो धारा 21 में इस जो है शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 21 में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात या SMC की बात की गई है, इसको अपन सेपरेट एक वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन SMC की बात कही गई है धारा 21 में। इसी तरह जो धारा 22 है उसमें क्या है, विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना की बात कही गई है। ये कोई खास नहीं, विद्यालय विकास योजना इसको मैं कवर करूंगा SMC के अंदर ही। तो धारा से इस आर्टिकल की जो धारा 21 और 22 है, इसमें 21 में SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन की बात कही गई है और क्या कार्य होते हैं SMC के, और ये विद्यालय जो विकास योजना है ये धारा 22 में बात की गई है इसकी, इसमें क्या होता है ये अपन जो है इसकी सेपरेट एक वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है 22 और 21, तो इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम धारा 23 की बात करते हैं, क्योंकि मैं फिर याद दिला दूँ आपको, धारा 1 से लेके 19 तक के वीडियो में पहले बना चुका हूँ। एक वीडियो मैंने धारा 1 से लेके 10 तक डिस्कशन किया है, और फिर उसमें 11 जो सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने 11 से लेके 19 तक की धाराओं को डिस्कस किया है। और यहाँ पर मैंने धारा 20 और 21 और 22 के बारे में बता ही दिया है, धारा 23 से यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम धारा 30 तक पढ़ेंगे। आपको पता है कि इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कुल 38 धाराएं थी, लेकिन एक 39वीं धारा भी जोड़ी गई है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यह है कि हर क्लास में आपको 10 धाराओं के बारे में बताऊं। तो 1 से लेकर 19 तक धाराएं पिछले 2 वीडियो में हो चुकी हैं। धारा यहाँ से 21 से लेकर हम चल रहे हैं, 20 से लेके चल रहे हैं, 20 से लेकर 30 तक धाराएं मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा, बाकी जो धाराएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर देते हैं इधर, ये सर आपके बीच में आ रहे हैं। तो देखिए, धारा 23 जो है वो क्या कहती है कि शिक्षकों की नियुक्ति और योग्यताएं तथा सेवा शर्तों का उल्लेख इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE की धारा 23 में क्या बात लिखी गई है कि शिक्षकों की नियुक्ति और योग्यताएं से संबंधित जो है बातें वो धारा 23 में। शिक्षक नियुक्ति हेतु पात्रता निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, लेकिन पात्रता में 5 वर्ष स्थिरता दी जा सकती है, अधिकतम 9 वर्ष की छूट दी जा सकती है, अर्थात 31 मार्च 2019 को। यानी कि जब से ये आर्टिकल बना था
तब तक जो है शिक्षकों ने अगर कोई शिक्षक बनने की विशेष पात्रता नहीं ले रखी है तो उनको 9 वर्ष की अधिकतम छूट देने की बात इसमें कही गई थी, लेकिन ये अब टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। धारा ये 31 मार्च 2019 तक की था। अब तो प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक बनने के लिए शिक्षक से संबंधित सारी योग्यताएं जो है ग्रहण करनी पड़ेगी। और उसके बाद धारा 24 की बात करें तो इस धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना लिखा गया है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज बना रखा है कि इस अधिनियम के अनुसार शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हों और नियमित रूप से विद्यालय समय की पालना करें। ऐसा नहीं, लेट लतीफी नहीं चलेगी इस अधिनियम के तहत। और अब आपको पता ही है कि आजकल एक नया और चीज इसमें जोड़ दी गई है कि कोई भी अध्यापक, सरकारी अध्यापक जो है विद्यालय में मोबाइल फोन का यूज नहीं करेगा, उसको आते ही स्कूल में प्रधानाध्यापक के पास मोबाइल को जमा कराना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत, ये धारा 24 के अंतर्गत ही बात है, शिक्षकों के ये कर्तव्य हैं और शिक्षकों से रिलेटेड जो शिकायतें होंगी वो भी इसी के द्वारा दूर की जाएंगी। दूसरा है, इस अधिनियम के अनुसार शिक्षकों को निर्धारित समय में अपना पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए पाबंद किया गया है। कई बार क्या होता है कि कोई शिक्षक अपना पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं कराता है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो इस अधिनियम की धारा 24 में ये कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षक को निर्धारित समय में अपना पाठ्यक्रम पूरा करवाना होगा। और इसमें तीसरी बात ये लिखी गई है कि इस अधिनियम के अनुसार अध्यापकों को छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ नियमित रूप से बैठक करके छात्रों की उपलब्धि पर विचार करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात कही गई है, पीटीएम की बात कही गई है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो इसी अधिनियम की धारा 24 में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक अध्यापक जो है पेरेंट्स के साथ मीटिंग करेगा और बालक के संबंध में उपयुक्त उसकी जो सूचनाएं हैं, उसकी जो शैक्षिक प्रगति है, उसके साथ पेरेंट्स के साथ वो डिस्कशन करेगा। और इसमें चौथी बात ये लिखी गई है कि शिक्षक वे सभी कार्य करेंगे जो सरकार द्वारा अधिनियम के अनुसार विहित किए गए हैं। यानी कि जो जो कार्य बताए गए हैं टीचर्स को, वो सभी कार्य टीचर को करने होंगे। ये भी धारा 24 में बात कही गई है, शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पर एक चीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धारा 25 में जिसका उल्लेख किया गया है। धारा 25 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक एक अनुपात होगा। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आरटीई के लागू होने के 3 वर्ष के भीतर छात्र शिक्षक अनुपात बनाना होगा। यानी कि 2010 में ये लागू हुआ था तो 2013 तक ये अनुपात बनाना था और अब तो होता ही यही अनुपात है। संशोधन, छात्र संख्या 150 होने पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक होगा। संशोधन आरटीई एक्ट 2012 में ये हुआ था। अब देखो यहाँ पर क्या है, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जिसको हम प्राथमिक स्तर कहते हैं, इसके लिए कितने बच्चे और कितने शिक्षक होने चाहिए। अगर 1 से लेकर 60 तक बच्चे हैं तो 2 अध्यापक होने चाहिए, 61 से लेकर 90 तक बच्चे हैं तो 3 अध्यापक होने चाहिए, 91 से 120 अगर बच्चे हैं तो फिर 4 अध्यापक होने चाहिए, और 121 से लेकर 200 बच्चे हैं तो फिर 5 अध्यापक होने चाहिए। और छात्र संख्या 150 से या अधिक होने पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक होगा। और छात्र संख्या 2 से अधिक होने पर शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो 1:40 हो जाएगा। लेकिन सामान्य परिस्थिति में यह आदर्श अनुपात 1:30 होगा। यानी कि कक्षा 5वीं के लिए वैसे तो 1 अध्यापक 30 बच्चों पर होगा, लेकिन ये संख्या अगर 200 से अधिक पहुंच जाती है, यानी कि 200 से कम अगर बच्चे हैं तो ये अनुपात ही रहेगा कि 1 अध्यापक और 30 बच्चे, लेकिन 200 से ज्यादा संख्या होने पर यह अनुपात बढ़ जाएगा, यानी कि 1:40 हो जाएगा। 40 बच्चों पर एक शिक्षक का होना जरूरी है जब ये 200 से अधिक संख्या हो जाएगी तब। तो ये आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो प्राथमिक स्तर है इसके लिए कितने बच्चे और कितने टीचर होने चाहिए ये बात याद रखनी है। विभिन्न शिक्षक भर्तियों में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर की। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर 8 तक माना जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति कक्षा न्यूनतम 1 अध्यापक होता है, लेकिन वहां पर 1:30 था तो यहाँ पर 1:35 है। यानी कि 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों 35 बच्चों पर 1 अध्यापक होता है, जबकि प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी जो क्लासेस हैं वहां पर 30 बच्चों पर 1 अध्यापक होता है। और तो छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ पर 1:35 होता है, लेकिन यदि विद्यालय में छात्र संख्या 100 या अधिक हो तो 1 प्रधानाध्यापक भी लगाया जाएगा। वैसे तो प्रधानाध्यापक नहीं होगा, लेकिन 100 से अधिक बच्चे होने पर 1 प्रधानाध्यापक लगाया जाएगा।
कला शिक्षा शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा और समाज उपयोगी उत्पादक कार्य यानी SUPW तीनों विषयों के लिए एक एक अंशकालिक अध्यापक की नियुक्ति भी होगी, मतलब पीरियड बेस पर। और गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन और भाषा में कम से कम एक अध्यापक होना आवश्यक है, एक गणित का, एक विज्ञान का, एक सामाजिक अध्ययन का और हिंदी और अंग्रेजी का एक एक अध्यापक होना जरूरी है। तो ये कक्षा 6 से 8 तक की बात कही गई है। यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:35 है, वहां पर 1:30 था, लेकिन 200 से अधिक बच्चे होने पर ऊपर जो है प्राइमरी स्तर के लिए जो है 1:40 हो जाएगा। उसके बाद धारा 26 जो है शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना है। बहुत अधिक समय तक जो है रिक्त पद नहीं रखे जा सकते, खाली पद नहीं रखे जा सकते, जल्दी से उनको भरने की भी जो है सिफारिश यहाँ पर कही गई है। 10% से अधिक शिक्षकों का पद खाली नहीं रखने का प्रावधान है, यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि किसी भी राज्य में जो है किसी भी स्कूल में 10% से अधिक पद खाली शिक्षकों के नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो उनको तुरंत भरे जाने होंगे। तो ये हुई धारा 26। अब बात करते हैं धारा 27 की। तो यहाँ पर धारा 27, 28, 29 और 30 की बात कही गई है। तो इन सर को थोड़ा सा अपन इधर कर लेते हैं, ये सर अपन के बीच में आ रहे हैं, इन सर को कर देते हैं थोड़ा सा साइड, इधर आइए सर आप। तो धारा 27 में क्या कहा गया है? धारा 27 में कहा गया है कि धारा 27 गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभी नियोजित किए जाने का प्रतिशोध यानी कि प्रतिषेध, यानी कि गैर शैक्षिक कामों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। अब सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को निर्वाचन, जनगणना, आपदा प्रबंधन के अलावा अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ जो है चुनाव में ड्यूटी लग सकती है टीचर की, जनगणना में ड्यूटी लग सकती है, या कोई आपदा प्रबंधन का कार्य है वहां पर टीचर की ड्यूटी लगाई जा सकती है, इसके अलावा टीचर की किसी और कार्य में ड्यूटी नहीं लगेगी। ये RTE की धारा 27 कहती है। RTE की धारा 28 ये कहते हैं कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकेंगे। जो सरकारी स्कूल के मास्टर हैं, मैडम है, सर है, जो भी है, वो प्राइवेट शिक्षण नहीं करा सकते, ट्यूशन नहीं करा सकते। इस अधिनियम के अनुसार अब सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। बट क्या वास्तव में धरातल पर ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, यह आपको भी पता है और मुझे भी पता है। धारा 29 है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय संवैधानिक मूल्य, बच्चे का ज्ञान, उसका सर्वांगीण विकास और सतत और समग्र मूल्यांकन का ध्यान रखा जाएगा। ये धारा 29 में कही गई ये बात। और जो धारा 30 है इसमें परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, परीक्षा बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और प्रारंभिक शिक्षा समापन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये धारा 30 में बात कही गई है। मतलब बोर्ड परीक्षा जो 5वीं 8वीं वगैरह है उसके लिए जरूरी नहीं है, बच्चा जो है बिना बोर्ड के भी परीक्षा दे सकता है और बोर्ड के भी द्वारा परीक्षा दे सकता है, और परीक्षा पूर्ण होने पर उस बच्चे को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, आपको पता है कि RTE में कुल 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं, तो यहाँ पर 30 धाराओं तक की अपन बात कर चुके हैं। लेकिन धारा 21 और जो जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति की बात है, और धारा 22 जिसमें विद्यालय विकास योजना की बात कही गई है, इसके लिए अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद हम जो है धारा 31 से लेकर 38 धाराएं और एक धारा और जुड़ी है 39, उस धारा के ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। लास्ट में इस पूरे RTE का एक निष्कर्ष भी हम जानेंगे और SMC के सेपरेट वीडियो को पढ़ेंगे, फिर उस हिसाब से आपका RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन वाला ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रखे हैं, उन सब क्वेश्चन की अपन डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें।